जी हाँ दोस्तों, अभी अभी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला आमने सामने। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन फिर से कटनी शुरू हुई है। लाइव ऐलान करते हुए कहा है, हजारों लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है। बुढ़ापा, विधवा, विकलांग पेंशन को लेकर के बड़ा झटका। और सीएम खट्टर का कहना ये है कि मैंने बुढ़ापा पेंशन बंद नहीं की है, कई बुजुर्गों की पेंशन रुकी है लेकिन उनकी इस वजह से रुकी है कि फैमिली आईडी में उनकी इनकम ज़्यादा है, वो इस दायरे से ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है और जो 3.5 लाख तक आय वाले बुजुर्ग लोगों के खाते में 15 से 25 तारीख तक हर हालत में बुढ़ापा पेंशन की रकम पहुँच जाती है और हर बुजुर्ग की पेंशन जिला वाइज जिला जाती है। जिस बुजुर्ग के डॉक्यूमेंट्स जिस जिला के होंगे उनकी बुढ़ापा पेंशन उसी ज़िले में मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो रहता है दूसरे ज़िले में और बुढ़ापा पेंशन लेगा दूसरे ज़िले में। और मैंने तो 250 की बढ़ोतरी भी की है लेकिन ये अभय सिंह चौटाला मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ ये आरोप है कि कई बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है।